सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही होंगे कि आज हम इस मैच में क्या देखने वाले। जी हां, आज हम मिलने वाले टोटल गेमिंग के अज्जू भाई से। तो हमारी मैच स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो पर बने रहिएगा कि देखिएगा आज का मैच कितना तगड़ा होता है। तो आज हम उतरने वाले ओल्ड बेस में। हमने प्लेन से छलांग मार ली है और हम ओल्ड बेस पर उतरेंगे और वहाँ पर लूटना स्टार्ट करेंगे। सो हमने लैंड कर चुके हैं ज़मीन पर और हम जाएंगे इस सामने वाले होम में और देखेंगे कि उसमें हमको क्या क्या मिलता है। तो अंदर घुसते ही मेरे को यहाँ पर AK-47 एंड कुछ ड्रिंक्स मिल चुकी है और ये हेल्थ केयर मिली और कुछ स्कोप्स मिली। सो अभी मैं अच्छे से लूट लेता हूँ, उसके बाद देखने कितने धावाधार मुकाबला होता है। सो यहाँ पर मुझे एक टॉप मिल चुकी है और कुछ हेल्थ भी मिली है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से पैरों के निशान आ रहे हैं, ऐसा लगा कि कोई है। तो मैं छत पर जाके देखता हूँ तो मुझे एक सामने एक बंदा है, इसकी कुटाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या क्या होता है मैच में। सो इसके पास तो मुझे कुछ नहीं, बस AK-47 के कुछ गन्स मिले हैं और वहाँ से भूसरी वाला वो कौन है, मारा चोर घर में घुस के बैठा हुआ है। अभी वो उसको फुटती है भूसरी वाला, क्या समझा अभी तो मेरे से बच जाएगा। क्या समझा था, तो इस बंदे को मैं उस बंदे को मार रहा था, ये बंदा भी सामने वाले घर से निकला, मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। इस भूसरे वाले को भी अब बताते हैं कि पाइथन गेमिंग से पंगा लेने का क्या नतीजा था। अब वो सामने से आएगा, उसकी कुटाई देखते हैं कितनी अच्छे से होती है। तो देखा दोस्तों, ये तो कुछ अच्छा प्लेयर था, मेरा सारा हेल्थ भूसरी वाला ख़त्म कर दिया। तो पहले मैं अपने हेल्थ को भर लेता हूँ, देन उसके बाद मैच स्टार्ट होगी। अब देखते हैं कि इसके बंदे के पास क्या था। तो इस बंदे के पास तो मुझे कुछ अच्छी खासी लूट मिल गई, कुछ AK-47 की गोलियाँ और M460 की गोलियाँ। तो वहाँ पर मुझे एक स्कारल मिला, तो मैं सामने से जा रहा था, मुझे एक सामने एक बंदा दिखा, तो इसकी AK-47 में धुलाई करते हैं और मैंने अपना 4 स्किल प्राप्त कर लिया है। सो अभी मैं इस जगह से जल्दी से निकलता हूँ क्योंकि ब्लू जोन मेरे पास आ रहा है। तो मैंने ये गाड़ी को पकड़ा और चलते हैं अपने सर्कल्स की ओर भाई, क्योंकि अगर मैं पबजी खेलता हूँ तो आपको मालूम होगा कि पबजी में सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है। अब वो है ब्लू जोन एंड सेकेंड नंबर पर रेड जोन। तो अभी मैं चलते हैं उस ड्रम से छलांग मंगाते हैं और देखते हैं। अरे माना चोट क्या कर रहा है भूसी माना बहन चोर, मैं तो वहाँ से जा रहा था, ये तो पानी में कूद गया। मैं सोचा कि उस पर छलांग मार के पूरा नदी ही पार कर लूँगा, लेकिन ये बीच में रोक दिया। तो यहाँ से मैं पीछे जा रहा था, एक भूसी वाला बंदा मेरे पीछे आते हुए दिखा। तो मैंने समझा कि कोई नहीं है, बस नीचे पर मुड़ के देखा तो एक बंदा आ रहा था, तो मैंने इसकी कुटाई कर दी अच्छे से। सामने से एक और बंदा, पीछे से एक और बंदा फायरिंग करते हुए मुझे नजर आता है। मैंने सोचा कि आगे से भी एक बंदा, पीछे से बंदा है, तो मैं क्या करूँ, पहले आगे वाले को समाप्त करते हैं फिर पीछे वाले के देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बमबारी हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो, तो मैं अभी एक झोपड़ में आके छुप चुका हूँ क्योंकि भाई बाहर रेड जोन है और चारों तरफ बमबारी हो रही है। भाई लोग, अभी तक रेड जोन फिनिश नहीं हुआ है और हम इस घर में ही छुपे हुए हैं भाई, क्योंकि रेड जोन इतना ख़तरनाक है क्या बताऊँ मैं आपको। तो पीछे से मेरे ब्लू जोन आ रहा है, मेरे सामने है रेड जोन, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ, राइट साइड से मुझे एक बंदा फायरिंग करते हुए नज़र आता है और मुझे वो बंदा दिख जाता है। अब देखना उसकी कितनी अच्छी सी कुटाई होती है। तो ये बंदा कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है, मेरे को भी अच्छे से खासे किल ख़त्म कर देता है। अब वो लेफ्ट साइड से आता है, अब देखना कि उसकी कितनी अच्छी कुटाई होती है। तो इसको तो मैंने फिनिश कर दिया, ये बंदा कुछ ज़्यादा तगड़ा बन रहा है। बट आपको पता नहीं कि पाइथन गेमिंग से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। सो यहाँ पर मेरे कुछ अच्छे खासे लूट, AK-47 की गोलियाँ, मादर चूट। तो इस भूसरी वाले के पास तो मेरे को अच्छा खासा मेरे 6 स्कोप, 4 एक्सेस एंड 3 स्कोप मिल चुका है। तो इस बंदे ने काफ़ी अच्छा तगड़ा लूटा हुआ था, सारे स्कोप मेरे को यहाँ मिल गए। तो मैं अभी यहाँ पर सब पर अपना स्कोप फिट कर रहा हूँ, अभी मेरे चारों तरफ रेड जोन है। मैं रेड जोन से बाहर निकल ही रहा था कि मुझे सामने से एक बंदा आता हुआ दिखा और वो बंदा बूट बंदा था। तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करके उसके फिनिश करके आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं चारों तरफ रेड जोन। अब मैं जाता हूँ आगे, आगे मुझे एक गाड़ी खड़ी हुई निकलती है। सो आज का किस्मत मेरा बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे जल्द से जल्द निकलना है ब्लू जोन से और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो मुझे यहाँ पर एक कार मिल गई,
स्वास्थ्य की किस्मत बहुत ही अच्छा है। इस कार पर बैठने के बाद मैं स्टेडियम के पास जाता हूँ, वहाँ पर दो बंदे को मैं अच्छे से कुचलता हूँ कार से, तो देखते रहना उस बंदे को मैं कैसे कुचलता हूँ। तो यहाँ पर फायरिंग हो रही है, सामने एक बंदा लेटा हुआ है, एक बंदा वहाँ पर, तो पहले इसको मारते हैं कुचल के और देन उसको मारते हैं। अब सो वो बंदा पीछे से भाग रहा था तो उसको मैं गाड़ी से कुचल देता हूँ, देखते रहना। सो ये कुचल दिया मैंने। अब जल्दी थाने ब्लू जोन से निकलते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब सिर्फ दो बंदे बचे हुए हैं और मेरे लगा के तीन बंदे। सो मैं इस मैच को वन ओवर मैच खेल रहा हूँ, यानी कि टीम प्लेयर मैच नहीं, कोई नॉकआउट नहीं, कोई फॉकआउट नहीं, ओनली किल्स। सो आपने देखा होगा कि मैं एक ही मरते मारता हूँ तो वो बंदा मर जाता है, तो अभी मैं वन बाई वन मैच खेल रहा हूँ। सो अभी सिर्फ वन अलाइव बचे हुए हैं। आज जैसा कि आप लोग थंबल में देखे थे कि आज मैं अज्जू भाई से मिलता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो अज्जू भाई है जो सामने, तो मुझे एक बंदा सामने से दिखता है, वो आखिरी बंदा है, छुपा हुआ है नीचे। सो वो तो भाग रहा है सर, उसके पास तो AWM है, मुझे बच के रहना पड़ेगा। उसने डाक दिया तो मैं घर चला जाऊँगा। अबे यार कहाँ छुप रहा, जल्दी मार, कहाँ छुप रहा है अभी तेरी, अच्छा साला। मैं उसको मार रहा था पीछे पीछे, अब देखना कि वो मेरे को कैसे मारता है। तो यहाँ पर मैं AK-47 से मार रहा था बट उसने मेरे को मार दिया। ये अच्छा प्लेयर था भोंसड़ी वाला, बट क्या करें, अब हार जीत तो होती रहती है, पता नहीं उसने किससे मार दिया। वो पेड़ के पीछे मेरे पहले ही AK-47 से फायर करना चाहिए था, मैंने ये M460 जो इस्तेमाल कर लिया ना, तो मेरा घंटा ही हो गया। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है।